नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए, मौर्य काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। हालांकि ये जो अब एक दो क्लास में समाप्त हो जाएगा, अगर बात की जाए तो मौर्यकालीन जो चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत मौर्यकालीन शासकों का उल्लेख किया, मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य उसका उल्लेख किया, कृषि वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में, यानी कि कला बोले तो आर्ट, यानी कला के क्षेत्र में मौर्य काल के दौरान कौन सी प्रगति हमें देखने को मिलती है, कला के क्षेत्र में किस तरीके से विकास देखने को मिलता है। हालांकि मौर्यकालीन कला की बात की जाए तो मौर्य काल की कला काफ़ी उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलती है, और वर्तमान समय में भी जो इसके अस्तित्व और साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो आज मूलतः हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन कला की। अगर कला की बात की जाए तो भारतीय कला, कला बोले तो आर्ट, आर्ट बोले तो जिस तरीके से व्यक्ति के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे कला कहते हैं। कला के माध्यम से, चाहे कला तुम पेंटिंग करने की कला हो, किसी तरीके से जो अगर कोई पत्थर की मान लो कोई चीज़ बनाने की कला हो, पत्थर के औजार बनाने की कला हो, उसके अलावा पत्थर की मूर्ति बनाने की कला हो, और विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएँ बनाने के जो माध्यम हो, वही एक कला के माध्यम से, कला एक कला होती है। चाहे लकड़ी के खिलौने बनाने का काम हो, चाहे लकड़ी के वस्तुएं बनाने का काम हो, ये एक कला होती है। तो यही जो आर्ट की बात करेंगे, जिसे हम आर्ट कहते हैं, तो ये कला हमें मौर्य काल में किस अवस्था में देखने को मिलती है, और व्यक्ति के द्वारा जो अपनी अभिव्यक्ति को कला के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है, चाहे पेंटिंग को देख लो किसी के द्वारा, चित्रकला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया था, तो उस समय हम बात करेंगे मौर्य काल की। तो पहले हम अगर कला के इतिहास के बारे में जानने की बात करें, तो कला का जो भारतीय कला का जो हमें प्रारंभ कहाँ से देखने को मिलता है, मूलतः स्पष्ट प्रारंभ, तो भारतीय कला प्रारंभ होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें भारतीय कला का प्रारंभिक इतिहास देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत हमें किसी विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी के खिलौने, बर्तन, औजार वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलती है, तो उस वक्त से ही भारतीय कला का इतिहास प्रारंभ माना जाता है। अब मौर्य काल के दौरान हमें काफ़ी उन्नत अवस्था में जो कला देखने को मिलती है, और आज उस कला को बात की जाए, जैसा कि तुम देखोगे जो सारनाथ चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो प्रतीक के तौर मौर्य काल के दौरान मिलने वाले जो स्तंभ है उनको राष्ट्रीय प्रतीक के, राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर स्वीकार किया गया, तो वाकई में काफ़ी उन्नत अवस्था में हमें जो मौर्य काल की कला देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मौर्यकालीन कला। तो मौर्य काल से पूर्व अगर देखा जाए तो कला को अभिव्यक्त करने के लिए जो कलाकारी अगर बात की जाए, तो उसमें पहले लकड़ी के माध्यम से, लकड़ी के जैसे खिलौने वगैरह, हल वगैरह, जो भी चीज़ें लकड़ी की अन्य वस्तुएं, हालांकि वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती थी, तो लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें उकेर कर कलाकारों के द्वारा अपनी कलाकारी को अभिव्यक्त, कला को अभिव्यक्त किया जाता था। कच्ची ईंटें बना दी जाती थी, मिट्टी, हाथी दांत इत्यादि के माध्यम से, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, हाथी दांत के विभिन्न प्रकार के गहने, और ये इनके माध्यम से जो मौर्य काल से पूर्व इस तरीके से जो कला का रूप हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो आर्ट का रूप हमें देखने को मिलता है, एक तो लकड़ी की जो वस्तुएँ मिलती है हमें, जिनके ऊपर जो हमें कला देखने को मिलती है, कच्ची ईंटें जो उनके द्वारा निर्मित की जाती, मिट्टी के बर्तन ले लो, चाहे मिट्टी के खिलौने ले लो, हाथी दांत आदि के भी खिलौने और पैमाने सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे देखने को मिलते हैं ना, तो इनके माध्यम से व्यक्ति के जो व्यक्ति अपनी कला को अभिव्यक्त करता था। लेकिन मौर्य काल में विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो पत्थरों के माध्यम से भी अगर बात की जाए, पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में आ जाता है, और एक भारतीय कला को एक नया ही रूप जो मौर्य काल के दौरान दे दिया जाता है, और वो हमें देखने को मिलता है। अब बात की जाए मौर्य काल से पूर्व की कला का इतना विकास क्यों, कला के विकास के लिए जो उत्तम अवस्था मानी जाती है, भाई कला का विकास किस अवस्था में होगा, कला का विकास अगर माना जाए तो किस अवस्था में होगा, तो सीधी सी बात है, कला का विकास उस अवस्था में होगा जिस अवस्था में देश में क्या रहे, राजनीतिक स्थिरता रहे, शांति का माहौल रहे, तब कलाकारों को जो अपनी कलाकारी जो अभिव्यक्त करने के लिए उचित
जो परिस्थितियां मिलेगी, अगर युद्धकालीन परिस्थितियां है, किसी राज्य में अस्थिरता है, तो उस समय जो कला का विकास हमें सुनने देखने को मिलता है, तुम देखोगे जितने भी शासक हुए, राजा महाराजा हुए, अगर उनके द्वारा जब युद्ध काल के दौरान बाकी समय उनको मिलता था, तो उस समय वो क्या करते थे, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करवाना, महलों का निर्माण करवाना, और जब युद्ध चल रहा होता तो उनके पास टाइम थोड़ी ना रहता था। इस तरीके से जो भवनों का निर्माण करवाना, दुर्गों का निर्माण करवाना, तो जिस समय क्या रहती है, शांति रहती है, युद्धकालीन परिस्थितियाँ नहीं होती है, राजनीतिक स्थिरता रहती है, अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए। तो मौर्य काल से पहले हमें ज़्यादातर अधिकतर बात की जाए तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कला का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। मौर्य काल के दौरान हम देखेंगे कि राजनीतिक स्थिरता बन जाती है, संपूर्ण भारत को मौर्यकालीन शासकों के द्वारा राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया जाता है और एक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है, और उसी दौरान सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो उसी समय जो उत्तम दशा ये इसके लिए रहती है, और उस समय के दौरान जो कला का विकास भरपूर होता है, तो उसी समय देखने को मिलता है। और उसके पश्चात बात की जाए सम्राट अशोक के समय हमें जो कला के विकास में थोड़ी गति देखने को मिलती है, और वाकई में मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक जो कला का विकास होता है सम्राट अशोक के समय होता है। जैसा कि हमने देखा कि मौर्य काल में जब ये बात की जाए कलिंग युद्ध के पश्चात इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है अशोक का, और अशोक के द्वारा जो अपना सारा जो समय है और अपना सारा ध्यान जो प्रजा के हित में जो कर लिया जाता है, तो उसी दौरान जो उसको जो अवसर मिलता है, उसको खाली समय मिलता है, और संपूर्ण जो राज्य भी इसका एक सुदृढ़ राज्य था और उसमें राजनीतिक स्थिरता भी थी, तो उस दौर में अशोक के द्वारा है जो कलाकारों को खूब आश्रय दिया गया और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया, जिससे जो अशोक के शासनकाल में कला का भरपूर विकास हमें देखने को मिलता है पर्याप्त। अब मौर्य काल के दौरान अगर बात की जाए सर्वाधिक जो कला का विकास जिस क्षेत्र में होता है वह कौन सी मानी जाती है, शिल्प कला मानी जाती है। शिल्प कला यानी पत्थरों पर उकेरे जाने वाली जो कला, पत्थरों पर जो अपनी कला कलाकारों के द्वारा जो पत्थरों पर अपनी कला को प्रकट किया जाता है। अब पत्थरों पर किस जैसे किसी तरह की मूर्ति बना दी, किसी तरह का स्तंभ बना दिया, हम पढ़ेंगे कला के तहत पढ़ेंगे मौर्य काल के दौरान हमें क्या मिलते हैं, वृद्ध स्तंभ मिलते हैं सात जगह से। तुम देखोगे ना कई जगह हमें जो लोरिया नंदराज जो यहाँ से बिहार है और वहाँ से काफ़ी जो मेरठ से और कई क्षेत्रों से टोपरा है, दिल्ली टोपरा वाला स्तंभ लेके हरियाणा वाला, और ये कई क्षेत्रों से हमें स्तंभ मिलते हैं। हम देखते हैं सारनाथ स्तंभ को तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसपे जो सिंह की आकृति होती है। तो ये जो मौर्य काल के दौरान है जो शिल्प कला के क्षेत्र में यानी कि जो पत्थरों के ऊपर उकेरने वाली ये कला है वह हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। शिल्प कला का विकास हमें सर्वाधिक होता है चंद्रगुप्त मौर्य तक तो हम देखते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के समय ये ज़्यादा तीव्र गति से हमें विकसित रूप देखने को मिलता है। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य तक के समय की तुम बात करो तो इसमें पहले क्या किया जाता, भवन निर्माण के लिए लकड़ी और मिट्टी का ही प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था, पत्थर का तो नाम मात्र का प्रयोग किया जाता। लेकिन सम्राट अशोक के समय ये जो सब कुछ बदल जाता है, और सम्राट अशोक के समय हम देखेंगे कि उसके द्वारा विशिष्ट प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट प्रकार के रसायनों का प्रयोग स्वरूप पत्थरों को सही सलामत रखने, जैसा कि हम देखें अभी भी जो स्तंभ लेख हमें मिले हैं उनकी जो देखी जाए पॉलिश, उन पे जो पॉलिश की हुई है वो अभी भी चमकदार है, ज़बरदस्त है, और उसका अभी तक किसी तरह का उसे नुकसान नहीं हुआ, यानी कि विशेष प्रकार के रसायन के द्वारा जो पत्थर पे पॉलिश करके उसे और सुंदर बनाया जाता था। तो ये जो मौर्य काल के दौरान हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के समय से ही जो कला का अद्भुत विकास और विकसित अवसर जो विकसित रूप हमें देखने को मिलता है, और इसके द्वारा कई स्मारकों का जो क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। अब मुख्यतः मौर्यकालीन शिल्पकला को, ये शिल्पकला का विकास हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है मौर्य काल के दौरान, इसी को हम पढ़ेंगे आगे की दो तीन क्लासों में अगर बात की जाए जिसके तहत। अब मौर्यकालीन शिल्पकला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो स्थापत्य कला, ठीक है, और दूसरी मूर्तिकला। इन दो भागों में मौर्यकालीन कला को हम देखेंगे, पत्थर के द्वारा विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है, कौन कौन से क्षेत्रों से प्राप्त होती है, किस किस की जो मूर्तियां प्राप्त होती है, ये इसमें मूर्तिकला के अंदर आता है।
और उसके जी क्योंकि इसी के दौरान मौर्य काल के दौरान ही मूर्तिकला का विकसित रूप हमें देखने को मिलता है। और स्थापत्य कला में बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के स्तंभ यानी कि जो पिल्लर हमें मिलते हैं, पिल्लर की बात की जाए जहाँ जो लोरिया अरराज है, लोरिया नंदनगढ़ है, और उसके अलावा दिल्ली टोपरा है, सारनाथ वाला है, ये विशेष कई जगहों से हमें जो पिल्लर मिलते हैं हमने देखा। इन पिल्लरों के माध्यम से अशोक अपनी बात अपनी जनता तक पहुँचाता है और इन पर अशोक की काफ़ी आज्ञाएँ लिखी हुई होती है, 13-13 अभिलेख लिखे हुए होते हैं जिसमें जनता को उसके द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। उसके पश्चात स्तूप की बात करते हैं। स्तूप की अगर बात की जाए मौर्य काल के दौरान सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है और इसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु खूब कार्य किए। अब जो बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों पर जो मरने के पश्चात जो आकृति बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? स्तूप कहा जाता था। तो ये विभिन्न प्रकार के स्तूप 84,000 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया जनश्रुतियों के अनुसार। और विभिन्न प्रकार के जो भवनों का निर्माण बात की जाए ये है जो अशोक के समय देखने को मिलता है। और गुहागृह, गुहागृह किसे कहते हैं? जो पहाड़ों में जो सम्राट अशोक के द्वारा चट्टानों को कटवाकर गुफाएं बनाई गई है, जैसा कि हमने देखा सम्राट अशोक के द्वारा जो अवंती का राज्यपाल रहते हुए उसके द्वारा जो आजीविक संप्रदाय है उन लोगों को जो गुफाएं दान में की जाती है, गुफा बनवाकर उसके द्वारा दान में दी जाती है। और इसके अलावा अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा भी कई जो आजीविक संप्रदाय के लोगों को गुफा दान में दी जाती है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने मौर्यकालीन कला के बारे में जिक्र किया, आर्ट के बारे में हमने देखा कि कहाँ से भारतीय कला का प्रारंभ होता है, इतिहास प्रारंभ होता है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमें भारतीय कला के अवशेष देखने को मिलते हैं। और यही अवशेष जो मौर्य काल के दौरान जो ये कला हमें एक विकसित रूप में देखने को मिलती है। और मौर्यकालीन कला में जो सर्वाधिक विकास होता है वह शिल्पकला में होता है। शिल्पकला में अगर बात की जाए तो मौर्यकालीन शिल्पकला को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक तो स्थापत्य कला, एक मूर्तिकला। जो पत्थर पे जो कलाकारों के द्वारा जो अपनी कलाकारी उकेरी जाती है ये हमें जो काफ़ी देखने को मिलती है और इसके जो कई अवशेष और साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। तो मौर्यकालीन शिल्पकला को दो भागों में विभाजित किया, स्थापत्य कला और मूर्तिकला। और स्थापत्य कला को चार भागों में स्थापत्य कला के अंतर्गत बात की जाए तो ये स्तंभ है, स्तूप है, भवन है और गुहा लेख यानी जो गुफाओं में लिखे हुए जो गुफाएं बनाई गई है जो शासकों के द्वारा उसे गुहागृह कहा जाता है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की अगर मान लो जिज्ञासा उत्सुकता आपकी इतिहास विषय से संबंधित हो उसका भी आप समाधान कर जो उसके तहत जो प्रकट कर सकते हो समस्या आप। और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।